बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए। वेल गुड आफ्टरनून यू। लगता तो ऐसा है कि मुझे आईटी क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। डिक्सन पर ट्रेड कर रहा है 10,753 पर, स्टॉप होगा 10,600 करीब 150 का। जैसा मोमेंटम है, तेजी है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन वो मोमेंटम लगता है 11,000 के पार ले जाएगा। तो 11,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये ट्रेड आज का नहीं है, आज के कल तक भी हो सकता है। डिक्सन ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, डिक्सन पे ध्यान दें ऑन द लॉन्ग साइड। शिल्पा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्रेट में। पूरे सेक्टर में मोमेंटम है और ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2600 के भी लेवल्स आपको पोजिशनल अभी यहाँ से दिख रहे हैं। तो दीपक नाइट्रेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ पे 2400 इन फ्यूचर्स आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 2460 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड्स 2600। ओके, तो प्रकाश सर का ट्रेड हो गया यहाँ पे डिक्सन, दीपक नाइट्राइट 2411 पे। ये शिल्पा जी का ट्रेड, मैं बात जिस को एम्फेसाइज करने जा रहा था, अभी अनुज ने ओरेकल फाइनेंशियल का जिक्र किया, आज बिग टिकट साइज के काउंटर्स जो है ना वो बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज डेफिनेटली आज लाइमलाइट में है और उनमें से एक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ भी अब हो गया है, क्योंकि स्टॉक ने अभी कुछ मिनटों पहले एक प्रेस ब्रेकआउट दिया। 590 का अहम आंकड़ा जो वहां पर रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए। 584 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपके 602 रुपए तक के हो सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 590 वाला कॉल ऑप्शन जो 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 21 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, चलिए आशीष बेदी के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे मेरा जो ट्रेड रहेगा वो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक राइजिंग चैनल में इंडियन होटल्स ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से अपने डे हाई के पास में अब आ चुका है वापस, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा स्विंग देखने मिल सकता है। तो 585 के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 605 का पहला टारगेट एंड 615 के सेकेंड टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 615 के लिए इंडियन होटल एक पिक, 1.25% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की सलाह है। सो एक अच्छे अप ट्रेंड हमने रिसेंटली भी ये स्टॉक में देखा है और 2 से 4 दिन का कंसोलिडेशन करके ये स्टॉक ने आज फिर से नो अप मूव का रिजम्पशन दिया है। सो प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देख के लग रहा है कि जस्ट जो प्रीवियस अप ट्रेंड हमने देखा है वो आगे और कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल्स पे 1200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1260 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे कॉल्स टेक्निकल पूरी हो गई और देखिए टेक्निकल कॉल्स में सब कुछ था, चाहे वो आईटी हो गया, चाहे यहाँ पर वाइट गुड हो गया, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू हो गया। अब आते हैं फंडामेंटली बाजार में क्या पिक करना है। इस वक्त आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीएम फाइनेंशियल से। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा आशीष। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज और हर्षदा। देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद मुझे लगता है वापस एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग डिफेंस स्टॉक में शुरू हो चुका है और जिस तरह से एक अच्छा मैं जिस तरह का बेस फॉर्मेशन देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट हमें स्टॉक्स में देखने को नजर आएगा और वहां पर पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स मेरी एक प्रिफर्ड चॉइस रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और मुझे लगता है कि एक स्टीप करेक्शन के बाद जिस तरह से अब यहाँ पे बेस बन रहा है, मुझे लगता है इसमें इंटरेस्ट काफी रहेगा। अब अगर से आप देखें ऑर्डर बुक, तो 23,700 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी की है जो कि ऑलमोस्ट 10 times बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट कर रहा है। और शिप बिल्डिंग स्पेस एक ऐसा है जहां पर पे हमें लगता है पूरी नेवी में करीब 3,85,000 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी साइज है और इस इलेक्शन के आउटकम के बाद एक क्लैरिटी आ गई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रांगली एक एम्फोसिस दिया कि डिफेंस को मेक हमको इंडिजनाइजेशन पूरी तरह से करना और इवेंचुअली फोकस करना है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पे। तो मुझे लगता है फोकस काफी बना रहेगा और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पे इंटरेस्ट वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 1350 पे एक अच्छा बेस बना है। इवेंचुअली मुझे लगता है 1800 रुपए तक के पोटेंशियल अपसाइड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। ओके, मीनवाइल